रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है 23 मार्च से, लेकिन फिल्म के प्रीमियर में ही आमिर खान जब पहुंचे इस फिल्म को देखने, तो फिल्म को देखने के बाद उन्होंने दिया बड़ा बयान। जी हाँ, हिचकी के बारे में कुछ बोल गए हैं आमिर खान। क्या कहते हैं जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी कई सालों के बाद बड़े पर्दे पर फिर से वापसी कर गई हैं अपनी फिल्म हिचकी से। उनकी नई फिल्म हिचकी ने थिएटर्स में दस्तक दे दी है, जिसके बाद से मीडिया में कई तरह के रिव्यूज सामने आए हैं रानी की फिल्म हिचकी को लेकर। लेकिन इसी बीच आमिर खान ने दे दिया है अपना रिव्यू ट्विटर पे। आमिर खान ने ट्वीट करके रानी की हिचकी की जमकर तारीफें की है। आमिर ने ट्वीट पर लिखा, काफी लंबे समय के बाद मैंने ऐसी मजेदार फिल्म देखी। फिल्म की कहानी काफी उम्दा है और कलाकारों ने बेहतरीन काम किया। ये काफी कमाल की फिल्म है, मैंने इसे देखते समय काफी आनंद उठाया। आप लोग इसे मिस न करें। रानी, सिद्धार्थ, नीरज, कवि और फिल्म की बाकी कास्ट को शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। तो इस तरीके से परफेक्शन के मामले में जाने जाने वाले आमिर खान साहब ने जमकर तारीफ की है रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी की और कह दिया, एक लंबे टाइम के बाद मैंने ऐसी फिल्म देखी। वैसे तो आमिर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन उन्होंने स्पेशली रानी की फिल्म हिचकी देखने के बाद ट्विटर पर इस फिल्म के बारे में ये सारी बातें लिखी है। बता दें कि इस फिल्म के जरिए रानी मुखर्जी ने 4 साल के बाद फिल्मों में वापसी की है। इस फिल्म में रानी नैना माथुर का किरदार निभा रही है, जो की एक टीचर है और उसे टॉरेंट सिंड्रोम है। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में रानी के किरदार की, उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है। जहां तक बात है आमिर की, तो आमिर इस समय अपनी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में बिजी हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कटरीना जैसे कलाकार हैं। और फिलहाल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का आखिरी शेड्यूल राजस्थान में शूट किया जा रहा है। लेकिन अब आमिर खान को एक लंबे टाइम के बाद अच्छी फिल्म देखने को मिली, जो की है रानी की फिल्म हिचकी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।